हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। अच्छा, बाबर के लिए ना एक बहुत जबरदस्त का एजेंडा चल रहा था कि भाई साहब ने एक टाइम पे ना वो 29 बॉल पे कुछ 34 रन बना के बाबर आजम खेल रहे थे, 29 बॉल पे 34 रन बना के, और ये एजेंडा इतना ज्यादा चला कि लोगों ने सच ही मान लिया कि बाबर इतना ज्यादा स्लो खेल रहे थे, हो सकता है, और खेल भी रहे थे। दरअसल एंकर इनिंग्स हमेशा 3 नंबर के बल्लेबाज खेलते हैं और जो बाबर हमेशा से ऐसा खेलता आया है वो हमेशा से, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि आखिरी 6 गेंदों पे बाबर आजम ने 21 रन भी बनाए थे, एक्सेलरेट भी किया था, एक छोर पे वो पकड़े रखा था और दूसरे छोर से सारे के सारे तूफानी बल्लेबाज जो पाकिस्तान के बड़े से बड़े बल्लेबाज जिसको कराची मीडिया माफिया इतने ज्यादा उठाया करती है, वो मुश्किल से 10 मिनट भी मैदान पे टिक नहीं पाए होंगे। वो तो शुक्र है कि बाबर आजम ने कल जो है ना 57 रन की पारी खेल दी, वरना अगर वो 0 पे आउट हो गए रहते ना तो ये जो 180 रन तुम लोग का बना था ना वो भी माइनस कर दो भाई साहब, 120 130 रन भी तुम्हारी टीम ना बना पाती बाबर के बगैर में। एजेंडा क्या चल रहा था, बाबर मैच नहीं जीता पाया कोहली की तरह। ओ भाई साहब, कोहली की तरह, कोहली के देखो, कोहली की टीम में ना सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और एक टाइम धोनी वगैरह हुआ करते थे साथ देने के लिए, ठीक है। बाबर के पास कौन है साथ देने के लिए नंबर 5-6 पे, है इफ्तिकार चाचू और 250 किलो का पहलवान आजम खान, और आप ये चाहते हो कि आजम खान के सहारे जो है बाबर आजम आपको मैच जिता दे, वो भी 226 रन जब आपके गेंदबाजों ने बनवा दिया। है क्या आदमी है या मशीन है, क्या समझे हो तुम? है फकर जमान से कोई ये नहीं पूछने जाता कि फकर जमान ने पिछले 6 साल में T20 में एक भी मैच विनिंग 50 तक नहीं बनाया उस बंदे ने। मैं कल चेक कर रहा था 2018-2019 के बाद से आज तक एक भी मैच विनिंग 50 नहीं है। आई एम सॉरी, मैं भी फौजी का बड़ा फैन हूं, फकर जमान का मैं भी फैन हूं, लेकिन ना तो पीसीबी मैनेजमेंट उनको ऊपर खिला रही है, नंबर 4 पे खिला रही है। बावजूद नंबर 4 पे क्या उनके हाथ में मेहंदी लगा हुआ था, रन क्यों नहीं बना पा रहा है भाई? हर चीज बाबर आजम पे, हर चीज बाबर आजम पे क्यों? आप मुझे बता दे भाई, कोई जवाब दे दे इस बात का। एक्चुअली में क्या है ना कि बाबर आजम के पीछे ना बहुत सारे लौंडे जो है ना ये छिप जाते हैं, उनकी नाकामयाबी छिप जाती है, लोग बाबर के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई कल इफ्तिकार चाचू से बात करने के लिए नहीं गया था कि आपने रन्स क्यों इतने नहीं बनाए, आपको बनाना चाहिए नंबर 5 के बल्लेबाज। भाई छोटी ग्राउंड थी ना, सिर्फ बाबर के लिए छोटी ग्राउंड तो नहीं थी, फखर जमान के लिए भी थी, मोहम्मद रिजवान के लिए भी थी, बाकी बल्लेबाज आजम खान के लिए भी छोटी ग्राउंड ही थी ना, तो छोटी ग्राउंड 47 मीटर 50 मीटर, उसमें तुम लोगों ने क्यों नहीं मारा, अकेला बाबर आजम ही क्यों खड़ा? एक बताऊं मैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बड़ा फर्क ही है। अगर हिंदुस्तान का बल्लेबाज अगर कोई 57 रन की पारी खेली होती है ना तो बोलता है देखो लोन वॉरियर है, अकेला शेर अकेला खड़ा था। बाबर आजम खेलता है पता क्या बोलता है, सेल्फिश इनिंग खेल गया, सेल्फिश इनिंग खेल दिया, अपना 50 करके निकल गया। वो भाई साहब अपना 50 अगर हर बल्लेबाज कल कर जाता ना, दो भी बल्लेबाज कर जाता ना, तो पाकिस्तान मुकाबला जीता हुआ था। एक्चुअली में क्या है ना, तुम लोगों का बाजार मार्केट ही बाबर के नाम से चलता है। जब तक उस पे तनकीद नहीं करोगे, तुम्हारे पेट में जो रोटी गया है ना वो तब तक गलेगा भी नहीं है, और ये हकीकत है। सुबह हगो तो बाबर आजम के नाम से, और शाम रात में अगर सो तो बाबर आजम के नाम से जो रोटी मिलती है ना उसी के नाम से, जो हगना भी और खाना भी सेम बाबर आजम के नाम से हो रहा है, और इसी वजह से हर चीज में बाबर आजम बाबर आजम। तुम्हारा जो फेवरेट प्लेयर है वो क्यों नहीं बनाए रन, 40 रन ही बना दिए होते कुछ पाकिस्तान टीम का भला हो जाता भाई, 180 पे पूरी की पूरी टीम तुम्हारी सिमट गई। और बात करते हो कि बाबर आजम ने मैच क्यों नहीं जिताया, 250 किलो के पहलवान से दंगल लड़ाया जा सकता, मैच नहीं जितवाया जा सकता है, ठीक है, और वो बंदा पीएसएल सीपीएल में जाके मारेगा लंबे चौके छक्के, पाकिस्तान टीम में जैसे ही हरी जर्सी पहनता है ना तो उसके मुंह से तो एकदम बैट में लगता है कौन सा मेहंदी या फेविकोल चिपक गया है, उनसे रन नहीं बनता है। कोई आजम खान से पूछने नहीं जा रहा है, कोई इफ्तिकार चाचू से पूछने नहीं जा रहा है, 4-5-6 नंबर आपका मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा, कोई उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है, और सवाल खड़े कर रहे नंबर 3 के बल्लेबाज पे। अरे इंटेंट ही रखना ना तो आसिफ अली को रख लेते यार, कम से कम उसने तो मैच विनिंग पारी भी खेली हुई है, वो भी T20 विश्व कप में। बात करते हुए शर्म आनी चाहिए बात करने से पहले, तुम लोग को सवाल खड़े करने से।